स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सत्यम शोम फन में। आज हम पराग्वे इस देश के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं पराग्वे के बारे में। पराग्वे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। यह साउथ अमेरिका के मध्य भाग में स्थित है। इस देश की सीमाएं ब्राजील, अर्जेंटीना और बोलिविया से लगती है। इस देश की राजधानी असनसियोन है। पराग्वे को 14 मई 1811 को स्पेन से आज़ादी मिली। इस देश को ऑफिशियली रिपब्लिका डेल पराग्वे कहते हैं, इसका मतलब द रिपब्लिक ऑफ पराग्वे। आज हम पराग्वे के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने वाले हैं। पराग्वे का नाम पराग्वे नदी के नाम से रखा गया है। पराग्वे नदी इस देश को दो हिस्सों में बांटती है। इसके पूर्वी हिस्से में देश की 90% आबादी रहती है, इसे पैरानेना कहते हैं, और वही पश्चिमी हिस्से को ग्रैंड चैको कहते हैं। यह देश का 60% हिस्सा समाता है, लेकिन यहाँ केवल 10% लोग रहते हैं। ग्रैंड चैको में एक डिफेंसोरेस डेल चाको नामक जगह है, जहाँ पे हमारे दिमाग जैसी आकृति वाली जगह है। इस देश को सेरो लियोन कहते हैं। इसे द हार्ट ऑफ साउथ अमेरिका भी कहते हैं उसके लोकेशन के कारण। इस देश की आबादी केवल 71 लाख है और इनका लिटरेसी रेट 94% है। यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 साल है। इस देश के चलन को पराग्वेन गुरानी कहते हैं। यह प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। स्पेनिश और पराग्वेन गुरानी इस देश के दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। यह देश बायलिंगुअल है। स्पेनिश और गुरानी भाषा के मिक्सचर को जोपारा कहते हैं। साउथ अमेरिका में केवल दो ही लैंडलॉक देश है, बोलिविया और पराग्वे। पराग्वे नामक नदी इस देश से गुजरती है और यह नदी पराग्वे को दो हिस्सों में बांटती है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अधिक है, फिर भी यहाँ पर्यटक कम आते हैं। पराना नदी साउथ अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना से बहती है। पराना नदी पैराग्वे के पूर्वी भाग में आती है। इस नदी पर ब्राजील और पराग्वे ने मिलकर एक डैम बनाया है। इस डैम को इटाइपू डैम कहते हैं। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम है, जो 1982 में बनकर तैयार था। इस डैम को बनाने में जितना कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है, उससे हम 210 फुटबॉल के मैदान बना सकते हैं। यह इटाइपू डैम लगभग सभी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है पराग्वे की। इस कारण पराग्वे दुनिया के कुछ क्लीनेस्ट एनर्जी एफिशिएंट देशों में गिना जाता है। यह डैम पराग्वे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कारण यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना है इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ का नेशनल स्पोर्ट फुटबॉल है। यहाँ आपको स्पोर्ट्स के कई चहेते मिल जाएंगे। फुटबॉल, रग्बी, टेनिस और वॉलीबॉल जैसे कई खेल खेले जाते हैं। यहाँ मछली पकड़ना या फुटबॉल जैसा लोकप्रिय है। इस देश में खेती भी अच्छी होती है और यहाँ पशुओं को बहुत बड़ी मात्रा में पाला जाता है। इस देश के पास कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, फिर भी इनकी नेवी दुनिया में सबसे बड़ी है लैंडलॉक देशों में से। इनकी नेवी यहाँ की नदियों में गश्त लगाती है। यहाँ एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है, दुनिया का सबसे बड़ा बारबेक्यू। यहाँ 30,000 लोग आए थे 2008 में। यहाँ डोरबेल्स नहीं है घरों में, उसके बजाय यहाँ जब भी कोई किसी से मिलने उसके घर जाता है तो दरवाजे के बाहर से तालियां बजाकर उसे बुलाता है। हालांकि यह अब बहुत कम देखने को मिलता है। असनसियान से इंकारनेशन यह रेलवे लाइन साउथ अमेरिका की सबसे पहली रेलवे लाइन है, जो ब्रिटिश के इंजीनियर्स ने बनाई थी 1861 में। यह पिस्तौल ड्यूलिंग अभी तक लीगल है। पराग्वे के तीसरे तानाशाह फ्रांसिस्को लोपेज ने ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना इन तीनों से युद्ध जारी कर दिया। यह युद्ध 1865 से 1870 तक चला। इस युद्ध को ट्रिपल अलायंस वॉर कहते हैं। यह युद्ध पराग्वे के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। पराग्वे की लगभग आधी पुरुष आबादी नष्ट हो गई इस लड़ाई की वजह से। इस देश की 80% जमीन केवल यहाँ के आबादी के 2.5% लोगों के पास है। पराग्वे के कुछ ज़्यादा आबादी वाले शहरों के नाम है असनसियन, सैन लोरेंजो, लुकी, कैपियाटा, लंबारे और फर्नांडो डेला मोरा। यहाँ बड़ी मात्रा में सोयाबीन, गेहूं और स्टीविया उगाया जाता है। इस देश के कुछ फेमस जगह है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।